अजय जी मलिन बस्तीवाल के लिए कुछ फ्लैट बनाए गए थे, लेकिन वो कुछ राजनीति की भेंट चढ़ गए। अब बीजेपी सरकार है, तो अब किस तरह से उसका? अभी देखिए कि जो लोग जाना नहीं चाह रहे हैं, अगर वो नहीं जाना चाहेंगे जिनके लिए बने थे, तो फिर जो प्रॉपर्टी पर पैसा लग गया है, पैसा खर्च हो गया है, उसको कहीं ना कहीं तो किसी को उपयोग करना पड़ेगा। संभवतः मेयर साहब ने शासन को ये मामला पूरा रेफर किया है कि अगर वो लोग नहीं करना चाहते हैं, नहीं बैठना चाहते हैं या उस मकानों में नहीं जाना चाहते हैं जिनके लिए बने थे, तो अन्य जो लाइन पर खड़े हैं, जो वेटिंग पर हैं, जो पात्र हैं, पात्रता की श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें देने की इजाज़त दे दी जाए। अब ये शासन के ऊपर निर्भर करता है कि इस पर क्या निर्णय लेते हैं। मैं समझता हूं कि पात्र जो पहले के हैं वो नहीं जाना चाहें, तो लाइन पर खड़े दूसरे पात्रों को ही देना हितकर रहेगा, ताकि इतनी बड़ी धनराशि बर्बाद ना हो और ये फ्लैट जो है खंडहर में न बदले। क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं और धीरे धीरे खंडहर होता है। हाँ, मेरा कहना वही है, जो करोड़ों रुपए लगे हुए हैं ये फ्लैट बनाने पर, वो खंडहर न बने और ये रुपये की बर्बादी ना हो।